चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर क्या है नेक्स्ट? 40। अरे बस बस अब पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 40, देखो कोशिश करते हैं आज कंस्टेंट हो जाए हमारा। और तो कुछ नहीं, बस कंस्टेंट हो जाए यही दुआ है। तो शांति रखें और पढ़ाई में ध्यान दें। ये मान लीजिए कि ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। देखो तुम बात तो कर रहे हो है ना, बस देख मत जाना मेरे को फोन कर रहे हो, ठीक है? कर लो तुम। मान लो इधर एक्सेलेरेशन ए वन से जा रहा है, इधर ए टू से जा रहा है। फाइंड रिलेशन ए वन ए टू। आज भी नहीं आया मितांशु? भी है उसका दोस्त, किसी को पता है कहाँ गया है? उनकी मम्मी का फोन तो आया था एक दिन, शिकायत कर रही थी। गया? मितांशु। अरे आपको बोला था ना बात कर लो पर देखो मत। बस रिलेशन एक्सलेशंस में थोड़ा सिंसियर होके पढ़ लो ना, मतलब खुश रह के पढ़ो, अच्छी बात है, पर थोड़ा तो सिंसियर रह लो। बात मत करो, डिस्कशन मत करो। आपको जो भी करना है आप अपने फ्री टाइम में या जो भी टाइम मिलता है आपको उसमें करो ना। इन्हीं 1.5 घंटों में बात करना, डिस्कशन देना जरूरी है क्या? और कभी समय नहीं मिल पाता क्या आपको? चलिए हाँ, टेंशन का वक्त नहीं, जीरो करना होता है, फोर से कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देख लो सभी लोग, अब इधर देख लो सभी लोग। पेन रख दो, पेन हाथ में नहीं दिखना चाहिए। इधर देख लो का मतलब पेन नहीं दिखना चाहिए, ये होता है, ठीक है? चलिए तो मान लो इस रस्सी में टेंशन टी है, तो ये देखो सेम रस्सी सेम टेंशन होती घूमेगी ऐसा, ठीक है? तो यहाँ टेंशन टी, फिर ये इधर आई टी टी, तो यहाँ कितना हो गया 2t, फिर ये इधर कितना हो गया 2t, और यहाँ भी कितना हो गया 2t। इस ब्लॉक पे देखो टोटल टेंशन कितनी है 4t, और डायरेक्शन भी वही है एक्सलेशन की, तो प्लस में 4t इंटू ए टू। इधर देखो 3t, पर एक्सलेशन उधर है तो माइनस 3t
a1 बराबर 0, टी से टी कट गया तो आ गया 4 a2 बराबर 3 है। ये आ गया, लिख लो। और फिर लिखो पुली कंस्ट्रेंट, जल्दी जल्दी करो पुली कंस्ट्रेंट। अब हम पुली की चर्चा करेंगे कि जो पुली मूव हो रही है उसका एक्सेलरेशन क्या है, उसका एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करें। पुली कंस्ट्रेंट हेडिंग डालेंगे। सेकंड नंबर का कंस्ट्रेंट पुली कंस्ट्रेंट, दोबारा बोलो ए ब्लॉक का क्या, ये क्या, ये कैसे लिखा, टेंशन कितनी लग रही है इस ब्लॉक पर, किस डायरेक्शन में लग रही है, एक्सेलरेशन किधर है, तो कॉस 180 हो गया ना। तो फोर्स नहीं, स्प्रिंग कंस्टेंट में देखो लिखा है वर्क डन बाय द टेंशन फोर्स 0 होता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस 0 नहीं होता। और फोर्सेस तो इतनी देर से भी लग रहे थे, अभी मैंने लिखा से क्या मतलब है, एमजी तो हमेशा से ही लग रहा था, उसका भी तो वर्क डन कभी नहीं लिखा, किसका वर्क डन लिखा है, सिर्फ और सिर्फ टेंशन का। तो टेंशन का ही वर्क डन लिखना है बस। कॉन्ट्रीब्यूट मतलब मेरे को एक बात बता, इतने सारे सवाल किया क्या तब फोर्स नहीं लग रहे थे क्या, वो एमजी तो हमेशा से ही लग रहा है, तुम्हारे ये सवाल तब क्यों नहीं आए, और अगर यहां आए तो वहां भी आने चाहिए, लेकिन वहां पे नहीं आए ना, क्योंकि इसका मतलब कोई कंट्रीब्यूट नहीं हो रहा है फोर्स का, फोर्स का ना कंट्रीब्यूशन होता ना मास का होता। आप तो एक बार देखो ना किसी ब्लॉक में मास लिखा है क्या, तो आपको नहीं बोला सर अगर मास 2 kg हुआ और एक बार मास मान लो 50 kg हुआ तो क्या एक्सेलरेशन में रिलेशन अलग अलग नहीं आएंगे, ये बोलो सर एक्सेलरेशन की वैल्यू अलग अलग आएगी पर रिलेशन वही आएगा, फोर्स का होगा कॉन्ट्रीब्यूट, A1 बदल जाएगा पर A1 A2 में रिलेशन हमेशा यही आएगा, अंतर है रिलेशन में और वैल्यू में, वैल्यू नहीं निकाली भी हमने, हमने क्या निकाला है, रिलेशन निकाला है। ठीक है लिखो पुली कंस्ट्रेंट। ये गुनगुन गुनगुन आवाज आ रही है लगातार यार, मतलब बहुत इरिटेटिंग है यार ये, प्लीज चुप रहो एकदम, तुमको डिस्कशन करना है मत करो। देखो पुली कंस्ट्रेंट, देखो ये अभी भी नहीं मान रही है, अभी भी कोई मतलब ही नहीं है, पुली कंस्ट्रेंट लिखा। अब इधर देखो, सब लोग पहले इधर देखो और फिर लिखना। तो पुली कंस्ट्रेंट में हम बात करेंगे पुली के एक्सेलेरेशन की, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 40। तो इसको जरा कॉन्सेप्ट की तरह समझेंगे, रिजल्ट की तरह देखेंगे, है ना। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें हम ये डायग्राम, ये सिस्टम बना रहे हैं, अरेंजमेंट बना रहे हैं, कि मान लीजिए ये एक मास है, ये एक और पुली है और इससे दो मास कनेक्टेड है। ये एग्जांपल हम पहले भी ले चुके हैं, लेकिन पहले हमने बात की थी ब्लॉक्स के एक्सेलेरेशन में रिलेशन की, अब हम सारा फोकस करेंगे इस मूवेबल पुली पर जो पुली मूव कर रही है। क्या ये पुली मूव कर रही है क्या, बिल्कुल करना पड़ेगा। ठीक है अब जरा एक्सेलेरेशन मान लेते हैं, कि मान लो M1 आ रहा है नीचे A1 से, ये आ रहा है ऊपर A2 से, ये आ रहा है ऊपर A3 से, पुली भी मूव कर रही है, तो A1 A2 A3 में तो रिलेशन पहले से ही पता है, और निकाल लेंगे दोबारा पुली किधर मूव करेगी। तो मान लो अगर मैंने M1 को नीचे माना है, पुली इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है कि नहीं है, ऐसे देखो इसको, इनको भूल जाओ अभी। तो ये वो नहीं हो गया सिंपल एडवुड मशीन, सिंपल की एक पुली है उसके एक साइड मास और दूसरी साइड मास, सिंपल एकदम कंस्ट्रेंट का सबसे पहला सवाल जिसमें प्रूफ कराया था इन दोनों के एक्सप्रेशन सेम होंगे, याद करो अगर सीधी रस्सी से कनेक्टेड डायरेक्ट। तो अगर ये A1 से नीचे आ रहा है तो इसको भी A1 से ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब जो एक्सेलेरेशन ऑफ पुली होगी वो A1 के बराबर ही होगी, किस डायरेक्शन में, ये कैसे निकाला मैंने, मैंने यहां से यहां तक का कंस्ट्रेंट लगाया, केवल इसमें कंस्ट्रेंट लगाया, कैसे लगाया कंस्ट्रेंट, टी 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 माइनस है ना, टी माइनस सॉरी माइनस ऑफ टी इंटू A1 टी इंटू A2 और वो जोड़ के A1 बराबर A2 कर रखा है ना डायरेक्ट, सब डायरेक्ट कितने ही सवाल किए हमने इसमें। तो कुल मिला के ऐसा क्यों हुआ,
देखो ये रस्सी सीधी गई और डायरेक्टली इस पुली से कनेक्ट हो गई, तो जितना ये ब्लॉक नीचे आएगा उतना इस पुली को ऊपर जाना पड़ेगा। मतलब पुली में तीन रस्सियां होती हैं, तीन साइड होती हैं, रस्सी तो दो होती है, साइड तीन होती है, एक तो इधर से रस्सी जारी होती है, एक इस साइड से जारी होती है, और एक पुली को सेंटर में से होल्ड किया होता है। हमेशा ऐसा ही रहता है, चाहे किसी पुली को देख लेना, तीन साइड से कॉन्टेक्ट होते हैं इसके स्ट्रिंग के, तीन एंड। जैसे इस पुली में देख लो, इधर भी है, इधर भी, और सेंटर से भी होल्ड किया है, तो पुली का जो मोशन है वो सेंटर वाला पॉइंट कर रहा है कंट्रोल। जैसे यहाँ पे ये एंड कहीं हिल रहा है क्या, तो पुली भी कहीं नहीं हिल रही। यहाँ पे ये इससे कंट्रोल हो रहा है, तो जो इस रस्सी का एक्सलेशन होगा, जो इस मास का एक्सलेशन होगा, वही इस पुली का भी एक्सलेशन होगा। ठीक है क्या? अब अपन रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं, तो वापिस बनाता हूँ इसको। ये क्या था, एम टू एम थ्री, और एक्सलेशन कैसे माने थे मैंने इसके ऊपर, ए टू ए ऊपर ए थ्री। ठीक है क्या? अब मैं कंस्ट्रेंट लगाता हूँ, वही अपना वर्क डन इज इक्वल टू जीरो करता हूँ, तो कैसे लिखूंगा यार, टेंशन भी लिखता है यार, अब लिखता। यहाँ पे टेंशन टी, यहाँ पे भी टी, टी टी टू टी, तो यहाँ पे कितना हो गया, टू टी। लिखी तो क्या आ जाएगी इक्वेशन, वर्क डन जीरो करेंगे तो यहाँ पे टेंशन ऊपर एक्सलेशन नीचे, माइनस टू टी ए वन प्लस टी ए टू प्लस टी ए थ्री बराबर जीरो। देखना कुछ ऐसा बन गया क्या, ए वन बराबर ए टू डिवाइडेड बाई टू, ये बना। अच्छा यहाँ पे ए वन क्या है, एक्सलेशन ऑफ पुली, ए वन क्या है, एक्सलेशन ऑफ पुली, तो ए वन की जगह ए पी लिख सकता हूँ, तो ए पी बराबर क्या हो गया, ए टू प्लस ए थ्री बाय टू। तो बोले सर ये तो पुराना काम ही कर दिया, इसमें पुली का क्या काम हुआ। तो अब ये वाला फॉर्मूला हम याद रखेंगे, ये वाला रिलेशन हम याद रखेंगे, ये वाला रिलेशन किस किस को बता रहा है, देखो किस किस के बीच में रिलेशन कर रहा है, तो आप पूरे सिस्टम को मत देखो, इस सिस्टम का केवल इतना हिस्सा देखो, केवल इतना हिस्सा देखो। मैं इसका डायग्राम साइड में भी बना रहा हूँ। यहाँ क्या हो रहा है, एक पुली है जो कि ऊपर कितने से जा रही है, एपी से, इसके साइड में दो ब्लॉक हैं एम टू एम थ्री, इन दोनों के एक्सलेशन कैसे हैं, ऊपर की साइड ए टू और ऊपर की साइड ए थ्री, और इन तीनों एक्सलेशनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, ये रिलेशन होगा, इन तीनों एक्सलेशन के बीच में रिलेशन ये होगा। मतलब पुली, पुली कैसी, लेकिन मूवेबल, तो मूवेबल पुली और उसके साइड में जो भी मासेस लटक रहे होंगे उन तीनों के बीच में ये रिलेशन होगा। सही है, यहाँ पे हमने तीनों के एक्सलेशन कैसे अज्यूम किए हैं, देखो इस डायग्राम में ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, और ये भी ऊपर है। ये आपको पता है अगर एक्सलेशन डायरेक्शन उल्टी पुल्टी होती तो रिलेशन बदल जाते हैं, तो इस रिलेशन को बनाने के लिए मैंने तीनों एक्सलेशन क्या रखे हैं, ऊपर, तो ये आया है। अब अगर क्वेश्चन में किसी का भी एक्सलेशन पलट जाएगा तो हम उसको नेगेटिव में रख लेंगे। मतलब इस रिलेशन को जब यूज करना है तो आपको कैसे यूज करना है, वेद साइन यूज करना है। इसमें ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है और कोई भी अगर नीचे की डायरेक्शन में होगा तो क्या होगी, नेगेटिव, और अगर एक्सलेशन के बीच में रिलेशन आया है तो वेलोसिटीज के बीच में भी यही रिलेशन आएगा। और वेलोसिटी क्यों, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात होती कि मान लो ये पुली मूव की है 2 मीटर या एक्स मीटर एक्स पी, और ये मूव कर रहा है एक्स टू और एक्स थ्री, तब भी यही रिलेशन आता। तो इस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सलेशन के बीच में सेम ही रिलेशन आता है, ये रिलेशन आएगा। तो बात क्या ध्यान रखनी है, बात सिर्फ इतनी ध्यान रखनी है कि साइन का ध्यान रखना है। हमने रिलेशन बनाया है तो तीनों का एक्सलेशन क्या है, पुली का साइड के दोनों ब्लॉक का ऊपर है, तो ये रिलेशन आया है। कोई भी एक्सलेशन अगर नीचे होगा तो उसका साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, पूरा डेरिवेशन चेंज हो जाएगा ना, पर हम पूरा डेरिवेशन ना करके हम सीधा उसी के साइन को नेगेटिव में वैल्यू रख लेंगे और अपना काम कर लेंगे। तो मन में सवाल उठ रहा है कि सर ये फॉर्मूला याद रखने की क्या जरूरत है, ये तो हमको पता ही है, ये जैसे आया फॉर्मूला ऐसे तुमने भी कितने सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो फिर ये याद क्यों रखें, तो मत रखो, मैंने तो बताया है और अभी सवाल दूंगा मैं आपको, आपको मन चाहे करो पर आंसर सही निकाल लो। समझ में आई बात, तो लिख लो फिर, ये रिजल्ट है इसको याद रख लो।
गए, ए टू और ए थ्री इक्वल होते ही नहीं है ना, मूवेबल पुली में दोनों बराबर नहीं होते, पुली जब फिक्स होती है ना तभी बराबर हो सकते हैं, या पुली के रिस्पेक्ट में देखोगे तो बराबर दिखेंगे, अगर मूवेबल पुली है तो ए टू और ए थ्री अलग अलग दिखेंगे ग्राउंड फ्रेम से, सेम नहीं दिखेंगे। फिक्स का मतलब क्या होता है, पुली मूव नहीं कर सकती, तो आप बताओ पुली मूव कर सकती है क्या, अगर किसी को सीलिंग से टांग दिया है तो वो मूव कर सकता है क्या ऊपर नीचे दाएं बाएं, तो इसलिए वो क्या हो गई, फिक्स हो गई। और ये तो करेगी मूव, अगर ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा तो ये पुली ऊपर जाएगी, तो ये तो मूव कर रही है, तो ये मूवेबल पुली हो गई। फिक्स पुली के अगल बगल में एक्सेलेरेशन वेलोसिटी बराबर होती है, जो कि हम जानते हैं कितनी बार किया है हमने, मूवेबल में बराबर नहीं होते हैं, ध्यान रखना। ये डाउट तुम्हारा अब आया है कि ए टू ए थ्री बराबर नहीं होंगे, अचानक से भी ध्यान आया, नहीं कंस्टेंट का दूसरा सवाल है ये, देखो स्ट्रिंग कंस्टेंट का दूसरा सवाल यही तो है, तब भी तो ए टू ए थ्री लिखा है, सेम तो किया है, देखो देखो देखो, नहीं दूसरा, पहला नहीं दूसरा, स्ट्रिंग कंस्टेंट का सेकंड क्वेश्चन, ध्यान नहीं दे बोल, पर आया तो था। हाँ दोनों पुलियों का एक्सप्रेशन सेम होगा, अबे ऊपर वाली तो फिक्स है, चल ही नहीं रही है यार, तुम बताओ ना यार ऊपर वाली चल सकती है क्या, घूम तो सकती नहीं है, फ्रिक्शनलेस पुली पढ़ रहे हैं अपन, आइडल पुली पढ़ रहे हैं, तो पुली तो घुमाई ही नहीं अपन ने, रोटेशन में जाके घुमाएंगे पुली अभी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2.5 3 महीने बाद, अभी तो पुली फिसल रही है रस्सी उस पे से, रोटेट तो कर ही नहीं रही है, तो पहले दिन ही मना किया था मैंने, फ्रिक्शन लेस है पुली, आइडियल पुली बोला था नहीं बोला था, फ्रिक्शन लेस का मतलब रस्सी रोटेट कौन करेगा, रस्सी करेगी ना, रस्सी ऐसे से जाएगी, पर रस्सी तो फिसल रही है, उसको घुमा ही नहीं रही, तो वो तो मूवेबल है ही नहीं, हमारा भी मूवेबल में सिर्फ मतलब क्या है, ट्रांसलेशनल, ऊपर नीचे दाएं बाएं, वो भी नहीं हो रही है, वो तो रोटेट तो कोई भी पुली नहीं हो रही है, रोटेट होंगी 2.5 महीने बाद पुली, जब फ्रिक्शन आएगा पुली, तब इनका हम एल्फा लिखा करेंगे कि पुली मान रही हो, मान लो एल्फा एक्सलेशन से घूम रही है गोल 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 गोल, तो अभी अगर किसी को लग रहा है कि पुलिया घूम रही है, पुलिया नहीं घूम रही, अगर घूम रही होती तो इनका भी तो एल्फा लिखते हैं, कुछ एंगुलर एक्स कुछ तो लिखते हैं, मतलब लिखते कि नहीं लिखते, अभी कैसी पुली है, आइडियल पुली है, फ्रिक्शन लेस पुलिया है, अभी नहीं घूमेगी पुली, 2.5 महीने बाद घूमेगी, हम जैसे जैसे फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे हम रियल सिचुएशंस में बढ़ते जाएंगे, जैसे अभी हमारे लिए मास, ट्रक, कार सब पॉइंट होते हैं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इनकी साइज भी आने लगेगी कि इसकी विड्थ ये है, लेंथ ये है, फलाना ये है, ढिकाना ये है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, वैसे अभी तो बेसिक चल रहा है मैकेनिक्स का, एनएलएम क्या है, एनएलएम इज बेसिक ऑफ मैकेनिक्स, इसमें सिर्फ बेसिक बातें हम कर रहे हैं, मैकेनिक्स तो आएगा अभी, मिटा दूं अब सवाल में कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है इस कॉन्सेप्ट को, जिसको मन करे जैसे अप्लाई करे, किसी को ये लगाना है ये लगाए, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये वाली चीज सिर्फ सिर्फ क्लोज्ड सिस्टम में लगती है, कोई भी एंड मिसिंग, जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग का ये एंड खुला छूट गया ना, अब आप इसमें ये फॉर्मूला कैसे, ये बोग्डन टेंशन का कैसे लिखोगे, अगर केवल यही डायग्राम दे देता मैं, ये तो उस सिस्टम का हिस्सा था, तो आपको वो समझ में आया, जैसे ये वाला करो, ये पुली है, तुम घर से पढ़ के नहीं आते ना बिल्कुल भी, नोट्स वोट्स रिवाइज करके आते हो, नहीं आते हो तुम, कितने लोग ईमानदारी से कल के नोट्स रिवाइज करके आए हैं, देख लो खुद ही देख लो आसपास एक बार, वो तो ईमानदार बच्चे हो इसलिए बता रहे हो तुम, तो यकीन मानो ये 10वीं क्लास नहीं है, अगर आप कह रहे हो कि आज हमें कम समझ में आ रहा है फलाना आ रहा है, तो ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, दोष चाहे फिर तुम किसी पे दे लो, दोष चाहे तुम फिर किसी पे दे लो, पर गलती तुम्हारी है, ध्यान रखना, आप अगर एक दिन पहले का नहीं पढ़ के आओगे तो दुनिया की कोई ताकत अगले दिन तुम्हें क्लास में नहीं समझा सकती जैसा तुम समझना चाहते हो, वैसा तुम चाहते तो समझना ऐसा हो कि एकदम आर पार हो जाए, एकदम भयंकर लेवल पे समझ में आ जाए, लेकिन जब बात पढ़ाई करने की आती है तो तुम नोट्स रिवाइज करना भी जरूरी नहीं समझते, डेली का डेली जाके नोट्स तो पढ़ने की पढ़ाया क्या है, नहीं तो भूल जाओ, फिर आपको कुछ समझ में आएगा जैसा आप चाहते हो।
देख लो फिर, ईमानदारी तुम में तो है ही, तो तुमने बताया। तो ये पुली जा रही है ऊपर 10 मीटर पर सेकंड से, ये जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, तो बताना है बीवी की स्पीड क्या होगी। फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक बी। एक को नीचे कर लेता हूं मैं, 5 को नीचे की। फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक बी। तुम क्यों नहीं पढ़ के आए कल नोट्स? तुमने भी हाथ खड़ा नहीं किया ना, क्यों नहीं पढ़ के? क्यों नहीं पढ़ा? स्कूल जाते हो सुबह? स्कूल जाते हो सुबह? तो बोलो ना, टाइम ही नहीं मिला। क्यों, तुमको लगा क्लास में समझ में आता हो गया क्या पढ़े? अच्छा मैथ्स कर रहे थे वो। तुमको पढ़ना आता है, कैसे पढ़ते हैं? आप बच्चों को पढ़ना आता है, कैसे पढ़ते हैं? कैसे पढ़ते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? तीनों सब्जेक्ट्सों के नोट्स रिवाइज करते हैं। ये नहीं कि एक का नोट्स, एक का होमवर्क, एक का नोट्स, ये गलत तरीका है पढ़ने का, है जी। पहले तीनों सब्जेक्ट्स के नोट्स रिवाइज, फिर तीनों सब्जेक्टों के एक साथ होमवर्क, और फिर समय मिले तो रिविजन। ये तरीका रहता है क्या? तो केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ी ही नहीं नोट्स? क्यों, मैथ्स क्लास में समझ नहीं आता? इसलिए पढ़ते हो घर जाके कि अच्छा समझ में आता, इसलिए पढ़ते? तो रिवाइज तो तीनों करना चाहिए ना। अगर फिल्टर ये है कि रिवाइज करना है, तो फिर तो तीनों सब्जेक्ट रिवाइज करना चाहिए। और अगर फिल्टर ये है कि सर जो कम समझ में आता है वो रिवाइज करता हूँ, या जो ज्यादा समझ में आता है वो रिवाइज करता हूँ, या हो सकता है कि सर जो अच्छा लगता है वो रिवाइज करता हूँ, कि मैथ्स में इंटरेस्ट है मेरा वो रिवाइज करता हूँ, क्या कारण है कि तीनों सब्जेक्ट रिवाइज नहीं किया आपने? अगर तुम ये बोलते ना कि सिर्फ मैं फिजिक्स रिवाइज किया, तब भी मैं डांटता। सब्जेक्ट तीनों रिवाइज करने हैं बेटा, घर जाके नोट्स तीनों के पढ़ने हैं। अगर तुम ये बोलते कि सिर्फ सिर्फ फिजिक्स रिवाइज किया, तो भी सेम सवाल पूछता कि क्यों, फिजिक्स कम समझ में आता है कि फिजिक्स ज्यादा समझ में आता है? समझ में आ रही तुम्हें? तो ये गलती है ना। और ये पीछे ये जो पढ़े हैं आड़े और हंसते रहते हैं क्लास में पागलों की तरह, ये क्यों नहीं करे नोट्स रिवाइज? हाँ बताओ आप। अच्छा आप ही की बात। हाँ बोलो, क्यों नहीं करे? स्पीड आएगी इसी की। कैसे निकालना मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले अगर आपने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाने की कोशिश की और आपने सोचा कि चलो टी डॉट बी जीरो कर देते हैं, तो आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो सिर्फ क्लोज सिस्टम के लिए वैलिड है। मतलब कोई भी एंड स्ट्रिंग का छूटना नहीं चाहिए, या तो उसको कंप्लीट करना पड़ेगा एक अपने मन से बना के, जो कि कैसे बनाओगे आप, या क्यों टाइम बर्बाद करोगे? इसलिए हम डायरेक्ट, कि पुली दिख रही है, दो साइड के मास दिख रहे हैं पुली का, तो एक रिलेशन में पता है कि वेलोसिटी ऑफ पुली। अच्छा फॉर्मूला लिखूं क्या? पहले लिख देता हूँ, नहीं लिखूं? ठीक है नहीं लिख। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ पुली इधर आती है, ऊपर है तो प्लस में आएगा +10, दूसरे का नीचे है -5। वीवी की डायरेक्शन नहीं पता, तो वीवी सिर्फ लिखते हैं डिवाइड बाई 2। ये इधर गया, वीवी प्लस में आ गया +25। इसका मतलब वीवी किधर जाएगा? ऊपर जाएगा, और कितने से जाएगा? 25 से जाएगा। ऐसे तो ऐसे रिजल्ट यूज हो गया, आया ही वहीं से ही है, तुमको इसका डेरिवेशन बता दिया। अच्छा एक बात, समझदार लोगों के लिए केवल, स्टार लग रहा, समझदार लोगों के लिए केवल, कि वैसे दिखने में तो ऐसा लग रहा है, देखना ध्यान से ना, मजा आ जाएगा आपको, कि सर इसका वेलोसिटी अलग है, इसकी वेलोसिटी अलग है, ये नीचे जा रहा है 5 से, वो ऊपर जा रहा है 25 से, ये क्या चल रहा है? मैंने बोला कि अगर पुली रुकी होती तो दोनों साइड वेलोसिटी सेम आती, अगर पुली रुकी होती तो। लेकिन पुली हम रोक सकते हैं पुली के फ्रेम में जाके, तो अगर पुली के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली, देखना सेम आएगा, करके देख लो। आ रही है? आएगी हमेशा। जो नए बच्चे हैं बोले सर ये क्या किया, अभी रिलेटिव पढ़ लोगे इसलिए मैं ज्यादा कुछ लिखने का कोई फायदा नहीं, आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है। चलो अगला सवाल। बोल मत बोल मत। मान लो ये जा रहा है ऊपर, हाँ
एक सेकेंड बताओ, बीवी कितने से जाएगा? फाइंड स्पीड ऑफ बीवी। नहीं यार, ये वाला फॉर्मूला क्लोज के लिए लगता है, वर्क डन बाय टेंशन का समेशन क्लोज के लिए लगता है। ये तो हमने रिजल्ट निकाल लिया ना, तो जहां भी पुली दिखेगी ना, पुली के अगल बगल में मासेस दिखेंगे या कुछ भी दिखेगा पुली के कुछ अगल, कुछ तो होगा ही ना। पुली है तो तीन चीज होंगी, दो नीचे एक ऊपर, एक नीचे दो ऊपर, कुछ तो होएगा, बस तब ये लग जाए। नहीं तो सिस्टम अधूरा है, क्लोज तो ये भी हो रहा होगा, ये उस बड़े से सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है, सिस्टम तो ये भी कहीं ना कहीं क्लोज हो ही रहा है, ऐसा मतलब ये भी इधर उधर उधर बन के हो रहा है, पर एक बड़े से सिस्टम का छोटा सा हिस्सा है, एक छोटा पार्ट दे दिया है। ऊपर या नीचे भाई? 15 तो ठीक है। हाँ अब जरा सोचो, बोले सर ए भी ऊपर जा रहा है, बी भी ऊपर जा रहा है, इससे पहले कि तुम मुझसे पूछो कि सर ऐसा कैसे, तो ऐसा हो सकता है, पुली मूवेबल है तो ऐसा हो सकता है, पुली मूवेबल है तो ऐसा हो सकता है कि दोनों ब्लॉक ऊपर जा रहे हैं, पुली भी ऊपर जा रहा है, लेकिन आप पुली के रिस्पेक्ट में देखोगे तो वो सही बैठ जाएगा जो आप सोच रहे हो, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, ऐसा मस्त। खैर अब सॉल्व करो, 10 बराबर ऊपर जा रहा है तो प्लस में 5, प्लस बीवी बाय 2, तो बीवी बराबर कितना आ गया? प्लस में 15, मतलब बीवी की स्पीड कितना आई? वेलोसिटी ऊपर कितना? अब जैसे एक और करा देता हूँ, घुसुर घुसुर मत करो, मेरे से डाउट पूछ लो, चार लोगों का और भला हो जाएगा, तुम्हें दुआएं मिल जाएंगी। ए बी सी, मान लो ये ऊपर जा रहा है 12 मीटर पर सेकेंड से, ए जा रहा है नीचे मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड से, बी बी ऊपर जा रहा है मान लो 4 मीटर पर सेकेंड से, फाइंड स्पीड ऑफ सी, फाइंड स्पीड ऑफ सी। अब एक और करा देता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे, तुम समझ जाओगे मेरे हिसाब से शायद कि ये चल रहा है। बीसी नहीं, स्पीड, अच्छा हाँ स्पीड ऑफ सी, सही बात, बीसी का। हाँ यार ठीक है, ऐसी भी क्या बात है। बस ठीक है कि और जोड़ू बताओ? एक आध और लगा सकते चाहे तुम, ये ठीक है, ये और लगा दे कि ठीक है, लो तो और लगा दे। देख लो सॉल्व तो वही तुम्हें करना है, होमवर्क है। ठीक है ना यार, मेरे को सॉल्व करना है, तुम्हें कहाँ सॉल्व करना है, तुम तो बोल दोगे नहीं सर आप करो। देख रहे हो आप, लेकिन एक बात, मास से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मास कितना भी हो आंसर यही आएंगे, करेंगे उसको अभी, इसको कर लेते पहले, आप सभी लोग इधर देखेंगे, मतलब पेन रख देंगे इधर, देखो हमें इसकी स्पीड निकालनी है, एक पुली दिख रही है, अधूरा सिस्टम दिख रहा है, तो हमारा दिमाग जाएगा हमारे फॉर्मूले पे, हमने बोला इसकी स्पीड तो पता है, फॉर्मूले में दोनों साइड की स्पीड पता होना चाहिए, तो क्या इस पुली को बोलते हैं P1, इस पुली को बोलते हैं पुली 2, क्या इस पुली की स्पीड पता है? नहीं, तो हम अटक जाएंगे, तो हम आगे चलते इस पुली की स्पीड ढूंढते पहले, तो क्या इस पुली के दोनों तरफ की वेलोसिटी पता है, तो क्या पुली की स्पीड निकल जाएगी, फिर पुली की स्पीड निकल जाएगी तो फिर इन दोनों की तरफ आ जाएगी और इसके लिए मतलब, तो सबसे पहले किसके लिए? पुली 2 के लिए,
तो पुली टू की स्पीड पता है कि नहीं पता है, तो मैं बीपी टू लिख देता हूँ। ये नीचे है तो -5, ये प्लस ऊपर 4 डिवाइडेड बाय 2, -1/2। तो बीपी टू आ गया -1/2, मतलब पुली किधर जा रही होगी, नीचे जा रही होगी, ये पुली नीचे जा रही होगी। अब पुली टू के, पुली वन के लिए मैं लगाता हूँ, पुली वन की स्पीड कितनी है 12, तो लग गया 12। ये नीचे आ रहा है तो -1/2, और ये किधर जाएगा हमें पता नहीं, तो बी सी डिवाइडेड बाई 2। 24 + 1/2, 24.5 प्लस में, तो सी किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, और इतने से जाएगा अगले में निकालो सी। अब देखो उसमें एक अच्छी बात क्या दिख रही है, सिस्टम क्लोज दिख रहा है, सिस्टम कहीं से खुला बुला नहीं है। तो आप यहां चाहे तो उस सवाल में दो तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन से, या तो आप समेशन ऑफ वर्क डन बाय टेंशन 0 कर सकते हैं, उससे भी आएगा, या अभी जो पुली पुली सिखाया वो कर सकते हैं। तो वहां पे तीन पुली है तो 3 बार लगेगा, पहले इस पुली के लिए यहाँ का, फिर इस पुली के लिए यहाँ का, फिर इससे यहाँ का, ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो जो आसान लगे वो कर लो। इसको कौन में बैठाएगा रोए इसको, और बोलो। हाँ ऑलरेडी माइनस में कहाँ है, जैसे वो यही तो बता रहा है नीचे जा रहा है, तो उस माइनस को एक तरह से देख लो, या तो नीचे देख लो या माइनस देख लो, दो दो तरह से थोड़ी देखें। चलो आखिरी का सवाल का आंसर किस, अरे डालेंगे रॉड कंस्ट्रेंट। भाई तुम्हारी पिछले वीक में क्लास कम थी तो वैसे ही अपन गड़बड़ चल रहा है, तो और एक क्लास अपन ने होमवर्क चेक करने में निकाल दी, पढ़ लो। और आज अभी भाषण दे दिया 15 मिनट का, तो पढ़ लो बेटा, जल्दी जल्दी पढ़ लो, मिटा दूं ये। और जिन लोगों ने नाम लिखवाए तो उन्होंने अब तक कॉपी चेक कराई नहीं, एक हाथ को छोड़ के, एक हाथ को छोड़ के, हाँ एक हाथ को छोड़ के कॉपी नहीं बनाई। सर चेक कहाँ से कराएं, पहले कॉपी तो बना ले कम से कम। तुम्हारी फ्रेंड कहाँ गई आज, नहीं वो थोड़ी, ठीक है सवाल कर लेते हैं अभी वाला। अच्छा जो जो आंसर बता देगा, बॉयज बता देंगे तो बॉयज जीत जाएंगे, गर्ल्स नहीं। पहले बताओ बॉयज में किसी का आंसर, गर्ल्स में किसी का कुछ भी आंसर आ रहा है। इन्होंने सही बताया 15 ऊपर की तरह, ऊपर तो बोला ही नहीं तुमने, सिर्फ 15 15 चिल्ला रहे हो, 15। चलो 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 ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। दूसरे टाई हो गया, टाई इधर देखो। तो मैं इसको दो तरीके से नहीं करूंगा, एक तरीके से कर रहा हूँ, कौन से वाले से, वर्क डन बाय द टेंशन लिख, ठीक है। तो टेंशन लिखने से पहले टेंशन दिखा तो दूं एक बार, तो यहाँ पे टेंशन टी मान लें क्या, टी, तो यहाँ कितना हो गया, ये टी 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 टी, तो यहाँ भी कितना हो गया, अरे टी हो गया ना यार, देखो ना सेम रस्सी चल रही है ना ये, तो यहाँ तो टेंशन टी आ गया ना, टेंशन समझ में आ गया। अच्छा इसकी वेलोसिटी मान लें किधर भी,
अगर उल्टी आना होगा तो नेगेटिव आ जाएगी, अपोजिट आना होगा तो ऊपर मान लें भाई, क्योंकि अपन को लिखना तो पड़ेगा ना टी डॉट, तो एक तरफ तो माननी पड़ेगी ना, तो ऐसा माना ठीक है। अब लिख दो इसमें और क्या हो गया काम, सेम डायरेक्शन टी इंटू 5+ में, अपोजिट डायरेक्शन -2t × 10, सेम डायरेक्शन t × vc बराबर 0। t कट गया, 5 − 20 + vc बराबर 0, -15 तो vc बराबर +15। अब ध्यान से देखना, मैंने ऊपर मानी किधर भी मानी सर, आप अगर प्लस आ गया ना आंसर, मतलब आपने जो मानी सही मानी, अगर आंसर प्लस में आ गया तो आपने जो मानी सही मानी, अगर मान लो कोई बोलता सर मैंने तो बीसी नीचे मान ली, तो अपने आप उसका आंसर किसमें आया था, नेगेटिव में, मतलब जो तुमने मानी गलत मानी ऊपर मान लो, समझ में आई बात। मान लो अगर ये मैंने ऊपर मानी और अगर आंसर नेगेटिव में आ जाता तो नीचे आ जाती, समझ गए ना, ठीक है ना, ठीक है। तो आंसर और दूसरे मेथड से पुली वाले से आप करके लाना, इस जगह छोड़ दो, देखते कौन करके लाता है। इसके लिए 5-6 लाइन जगह छोड़ दो और करके लाना है, दिमाग लगाना है, उस फॉर्मूले को यहाँ पे लगा के देखना है कि कैसे लगेगा, ठीक है। आएगा तो सही, आंसर भी पता है, और हेडिंग डाल लो रॉड कंस्ट्रक्शन। रॉड कंस्ट्रेन, तो मेथड 2 करके लाएंगे, देखेंगे ऐसा। तो पढ़ भैया नोट्स ही पढ़ लाना तुम तो, मेथड 2 देख लेंगे, कभी करेंगे तो कर लेंगे। रॉड कंस्ट्रेन, तो पहले हम इसका एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं और ऐसे एक रॉड बनाते हैं। इतनी बातें कहां से लाते हो, मिटा दें। एक बात ध्यान से सोचो, इधर देखो, पेन रख दो, ये रॉड है ना, इसके दो पॉइंट्स है, मान लो ये ए है ये बी है, मैंने ए का वेलोसिटी दे दिया आगे की साइड बी बार, अब मुझे बी की वेलोसिटी पे सोचना है, तो मैं केसेस बनाता हूँ क्या क्या हो सकते हैं। तो बताओ क्या बी की वेलोसिटी पीछे हो सकती है, बोले सर ए की वेलोसिटी आगे मैंने दे दी है, बी की वेलोसिटी पे सारा अपन को सोचना और एक कॉन्सेप्ट बनाना है, जनरलाइज करना है, तो उसको हम लगाएंगे, ठीक है क्या। तो बी की वेलोसिटी क्या पीछे हो सकती है क्या, बोले सर हो ही नहीं सकती, अगर ये पीछे होगी तो रॉड क्या बड़ी होती जाएगी ना, ऐसा हो सकता है क्या। तो पीछे वाला केस तो खत्म ही हो गया, इधर ही होनी चाहिए। चलिए इधर में भी 3 केस हैं, क्या क्या, कि सर क्या v1 > v2 हो सकता है, अच्छा यहाँ की वेलोसिटी v2 मान लेते हैं, और ये तो हमें समझ में आ गया कि सर होगी तो इसी डायरेक्शन में होगी, पीछे तो हो ही नहीं सकती क्योंकि एक पॉइंट आगे जा रहा है एक पॉइंट पीछे जा रहा है, रॉड का, रॉड है च्युइंगम थोड़ी है जो खींचते जा रही है, अरे समझ रहे हो क्या। अब इस केस पर विचार करते हैं कि रॉड के दो पॉइंट्स हैं, आगे वाला पॉइंट आगे चल रहा है पर तेज चल रहा है, पीछे वाला पॉइंट उतना तेज नहीं चल रहा है, तो क्या होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच का सेपरेशन बढ़ता जाएगा। अरे दो आदमी हैं, आगे वाला तेज चल रहा है पीछे वाला स्लो, काइनेमेटिक्स तो सबका हो गया ना यार, तो क्या मेरे और उसके बीच का डिस्टेंस बढ़ता नहीं चला जाएगा, इसका मतलब रॉड लंबी नहीं होती चल जाएगी, तो क्या ये हो सकता है क्या, नॉट पॉसिबल। v1 छोटा हो सकता है क्या v2 से, बोले सर आगे वाला धीरे चल रहा है ये वाला तेज चल रहा है, तो रॉड खिसक जाएगी मुड़ जाएगी टूट जाएगी, ये भी तो केवल एक केस पॉसिबल है क्या। तो एक स्टेटमेंट क्या लिख लेंगे अपन, कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द रॉड शुड बी सेम। भाई ये तो मैंने सिंपल केस लिया, तो आपको वेलोसिटी ऐसी ही दिखती है, अभी मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें मैंने ऐसे मानी रॉड ऐसे टेढ़ी रखी हुई है, अरे हाँ की ना, तो उसमें ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है, जरा इमेजिन करके बताओ अगर रॉड रखी और फिसल रही है रॉड, तो इसके पॉइंट्स ए और बी की वेलोसिटी कैसे कैसे आएगी, अगर ये पॉइंट ये रॉड ऐसी है और इसे फिसल रही है तो क्या ये आगे चलेगा, और ये तो ये v1 और v2 में रिलेशन बताना है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्या स्टेटमेंट लिखेंगे हम, कॉम्पोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी अलोंग द रॉड शुड बी सेम। तो नोट करो,
या एक स्टेटमेंट लिखो और सवाल करो, ये एंगल थीटा दे रखा है, देखते कौन करके दिखाता है। नोट करो, नीचे स्टेटमेंट लिखो, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑब्लिक एक्सेलरेशन। शुड बी सेम अलॉन्ग द रॉड, शुड बी सेम कॉम्पोनेंट ऑफ वेलो, पर एक साथ ही लिखा दूंगा ना, पहले ये तो नोट कर लो डायग्राम, स्टेटमेंट तो लास्ट में लिखना है ना। बनो, क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा इसका, 46 डाल लो इस वाले का। स्टेटमेंट लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑब्लिक एक्सेलरेशन, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑब्लिक एक्सेलरेशन अलोंग द रॉड शुड बी सेम, अलोंग द रॉड शुड बी सेम। अब ये वाला करेंगे, तो अलोंग द रॉड शुड बी सेम। क्वेश्चन लिखो, फाइंड रिलेशन बी वन एंड बी टू, बिटवीन बी वन एंड बी टू, रिलेशन बिटवीन बी वन एंड बी टू, बी वन बी टू के बीच में रिलेशन बताइए। चलो अब सब लोग क्वेश्चन लिखा, सभी ने, सब इधर देखो, सारे लोग इधर देखो, लिख लिया हो तो पेन रख दो, इधर देखो कृपया, इधर देखिए, करके दिखाएं आपको ये सवाल। तो हम देखेंगे कि भाई हमें इस डायरेक्शन में वेलोसिटी की कंपोनेंट चाहिए, तो कर देते हैं। तो इस वाली वेलोसिटी का एक कंपोनेंट अगर हम ऐसे चाहते हैं अलोंग द रॉड, तो एक कैसे हो जाएगा, परपेंडिकुलर द रॉड, समझ में आया क्या? ये अगर थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, हमें ये वाला कंपोनेंट चाहिए कि ये वाला, कितना हो जाएगा वी वन। यहाँ तक किसी को दिक्कत? इसमें अगर किसी को डाउट आता है तो डाउट कंपोनेंट का है, रॉड कंस्ट्रेंट की इसमें कोई गलती नहीं, समझ में आई बात? अब बी टू का दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में अगर हम करना चाहते हैं तो दूसरा कंपोनेंट ऐसा हो जाएगा, ये थीटा है 90, 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, ये चाहिए कि ये चाहिए, ये चाहिए, कितना हो जाएगा बी टू, ये दोनों क्या करने हैं बराबर, बी टू साइन थीटा बराबर बी वन। ये हो गया मेथड वन, एक और मेथड करके दिखाता हूँ आपको, मेथड टू इधर देख। बोले सर मेथड टू क्यों, ये बढ़िया तो है, रुक तो जाओ, दिमाग तो चले थोड़ा, एक और तरीके से करके देखते हैं आपको सवाल, एक तरीके से करके दिखाते हैं, देखो टाइम ही खराब हो रहा है पर फिर भी करा रहे हैं, तो इसलिए ध्यान से देखना कि क्वेश्चन ये था ना, ये वी वन और ये वी टू, ध्यान से देखना क्या कर रहा है अपन, ये कंस्ट्रेंट है जो मैं कर रहा हूँ, कंस्ट्रेंट मैंने वैसे सोचा, वैसे कॉन्सेप्ट बनाया, वैसे जनरलाइज किया, तो वैसे हो गया, कंस्ट्रेंट का कोई नियम नहीं होता, जो नियम आप बना दो, जो कंस्ट्रेंट आप लगा दो, वही नियम बन जाता है। जैसे कि देखो मैं करके दिखाता हूँ, तो मान लो ये वाली डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस में क्या मान लूँ वाई, तो मुझे कोई एक बात बताओ, हम फिर स्टार्ट करेंगे कि डीएक्स अपॉन डीटी क्या लिख दूँ, डीएक्स अपॉन डीटी का मतलब क्या है, एक्स कितनी रेट से चेंज हो रहा है, कितनी रेट से चेंज हो रहा है, बोले सर प्लस में हो रहा है क्योंकि बढ़ेगा, और वी वन से बढ़ेगा क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स तो वेलोसिटी है, तो एक्स को चेंज होते हुए कौन बता रहा है, वी वन, कि एक्स वी वन रेट से बढ़ रहा है। बताओ डीवाई बाई डी टी क्या लिखूंगा, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाई कम हो रहा है, और किस रेट से कम हो रहा है, वी टू रेट से कम हो रहा है, क्या था समझ में? चलो ठीक है, अब मैं कंस्ट्रेंट सोचता हूँ, कंस्ट्रेंट तो वही कि सर ये जो रॉड है क्या इसकी लेंथ एल मान ले क्या, कुछ भी हो जाए चाहे कैसे भी चले, क्या रॉड लेंथ एल चेंज हो सकती है क्या? तो सर पाइथागोरस से एक रिलेशन मुझे दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, मन में सोचते चलना है कि लाना क्या है, लाना एट द एंड वी वन वी टू में रिलेशन, वी वन वी टू कहाँ से आएंगे जब डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मन कह रहा है कि डिफरेंशिएट में कर देता हूँ, तो मन ने कहा कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में,
वाई का डिफरेंस, जिन लोगों के मन में ये चल रहा है कि सर रॉड कंस्टेंट में क्या हो रहा है समझना, ध्यान रखना पहले कंपोनेंट की दिक्कत है, अब डिफरेंशिएशन की दिक्कत है, रॉड कंस्टेंट का इसमें कोई दोष नहीं है। आगे, अच्छा एल का जीरो क्यों कर दिया, एल तो चेंज ही नहीं हो रहा ना। अच्छा भैया डी एक्स अपॉन डी टी की जगह वी वन लिख दिया, इसको चाहूं तो इधर ले आऊं, चलो पहले लिख देता हूं, टू एक्स इसको इधर ले आया तो प्लस हो गया, टू से टू काट दिया तो ये क्या बन गया, वी वन एक्स, हाँ एक्स वी वन जो भी है बराबर। तो बताओ जरा वी वन अपॉन वी टू कितना बन गया, वाई बाय एक्स, और जरा इस डायग्राम में देखो वाई बाय एक्स क्या बन रहा है, टेन थीटा बन रहा है, तो आ गया वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू, तो वी वन बराबर वी टू है, और यहां से भी बन रहे हैं क्या, ये कॉस थीटा नीचे ले आओ ना, तो वी टू टेन थीटा इज इक्वल। तो मैं उस सवाल को करके क्या दिखाना चाहता हूँ, मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि कंस्ट्रेंट का कोई एक नियम नहीं होता, आप जैसे सोच लो कि सर इसमें ऐसा ऐसे भी तो कंस्ट्रेंट लग रहा है, ये भी तो चेंज नहीं होगा, इसको यूज करके मैं कर सकता हूँ क्या, हाँ कर सकते। कंस्ट्रेंट एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, ये आपके दिमागों को खोलता है, कंस्ट्रेंट के अपन हजारों टाइप बना सकते हैं, जिनमें से हम दिमाग खोलने के लिए बस कुछ टाइपों का डिस्कशन करते हैं, जिससे खैर हमारा काम भी पूरा हो जाता है, पूरी एचसी हो जाएगी, जेई मेंस पीवाईक्यू, जेई एडवांस पीवाईक्यू सब हो जाएंगे, पर मजेदार टॉपिक है कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है लिख लो फटाक से, तो आप इसको तो हमेशा जनरलाइज करके यूज कर सकते हो, रॉड वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वाला जो है वो स्पेशल इसी के लिए है क्योंकि पाइथागोरस इसी में लग रही है भाई, और जगह कुछ और उस शेप बन सकती है तो कुछ और लगेगा, सोचना पड़ेगा। और इसके बाद हम लिखेंगे वेज कंस्ट्रेंट, कौन आपके जो सभी लोगों के कंपोनेंट में तो डाउट दूर हो गए होंगे ना, 2D चालू हो गया तुम्हारा वैसे भी, तो 2D में तो कंपोनेंट करेंगे खूब सारे नहीं करें, अरे तो थोड़े बहुत कंपोनेंट तो थे, तो थ्योरी में भी थोड़े बहुत तो कंपोनेंट कर ही लिए होंगे, नहीं एक आधे हाँ फोर्स में तो कंपोनेंट काम आती है। हेडिंग डालने वेज, वेज या ऑब्लिक ब्लॉक एक ही बात है, वेज ब्लॉक, वेज को ही ब्लॉक कहते हैं, ब्लॉक मतलब क्यूबिकल हो गया, वेज मतलब किसी भी शेप का हो गया, क्या ये लिख लिया हेडिंग वेज कंस्ट्रेंट, इधर देखो वेज कंस्ट्रेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मतलब ब्लॉक है, टेढ़े मेढ़े ब्लॉकों को वेज कहते हैं, तो पहले हम आसान ब्लॉक लेके इस कंस्ट्रेंट को समझते हैं और फिर इनको टेढ़े मेढ़े ब्लॉक में लगाएंगे, जैसे मान लो ये दो ब्लॉक हैं और इनको मैं यहां से धक्का मार दूं तो क्या होएगा, दोनों चलेंगे, मान लीजिए इसका एक्सलेशन है ए वन और इसका एक्सलेशन है, दोनों में रिलेशन निकालना है, तो वही केस बना सकते हैं भाई, पहले बात तो मैं इधर धक्का मार रहा हूं तो ये तो मुझे पता लग गया कि दोनों ही इसी डायरेक्शन में चलेंगे, अब इस डायरेक्शन में चलेंगे इसके दो केस बन सकते हैं, पहले वही जैसे मैंने बनाया था, तीन केस बन सकते हैं कि मान लो अगर ए वन बड़ा हो जाए ए टू से, क्या ये हो सकता है, पहले ए टू वाला देख लेते हो ज्यादा चमकता है, ये ए टू बोला है ना मैंने, तो ए वन छोटा है ए टू से,
अच्छा कंस्ट्रेंट क्या है यहाँ पे? जैसे स्ट्रिंग में क्या कंस्ट्रेंट होता है स्ट्रिंग के साथ, कि स्ट्रिंग ना तो टूट सकती है ना ही ढीली हो सकती है। जो आपने पढ़ा ना वर्क डन बाय द टेंशन बराबर जीरो, और ये किया वो केवल कब वैलिड है, जब आप ये मान रहे हो कि रस्सी ना तो ढीली पड़ सकती है ना ही हम तोड़ सकते हैं ना खींच सकती है। आइडियल स्ट्रिंग खींच भी नहीं सकती टूट भी नहीं सकती, समझ में आई? रॉड में भी तो यही था, क्यों हुए बी वन बराबर बी टू, क्योंकि रॉड लंबी भी नहीं हो सकती रॉड छोटी भी नहीं हो सकती, ये कंस्ट्रेंट है। लेंथ चेंज नहीं कर सकते अपन। वैसे यहाँ पे ब्लॉक में कंस्ट्रेंट क्या है कि दोनों का कांटेक्ट नहीं छूट सकता, ये कंस्ट्रेंट है भाई। ब्लॉक ऐसे चलेंगे कि कांटेक्ट नहीं छूटेगा, तो कांटेक्ट नहीं छूटना चाहिए फिर आपको रिलेशन बनाना है, मतलब ये मन में कंस्ट्रेंट रखें भाई। ऐसे तो कुछ भी हो सकता है फिर दुनिया में, पर कंस्ट्रेंट ये रखते हुए। और दूसरा कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। तो मेरे को बताओ अगर ए टू बड़ा है, अगर बड़ा हो जाए बाई चांस, मैं धक्का मार रहा हूँ, ए टू बड़ा हो जाए ए वन छोटा हो जाए तो क्या होगा? ए टू भाग जाएगा, तो नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा। ऐसे हम किसी को धक्का मारेंगे तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आगे वाला कॉन्टेक्ट छोड़ के भाग जाए, करके देखना कभी। और दूसरा अगर ए वन बड़ा हो गया तो सोचो, ए टू धीरे चल रहा है, ये बोलेगा नहीं मैं तो तेज चलूंगा, पर ये बोलेगा नहीं मैं अपनी वेलोसिटी एक्सेलरेशन चेंज नहीं करूंगा, तो ये उसको तोड़ के उसके अंदर से निकल जाएगा। अरे हाँ कि ना, डैमेज कर देगा ना, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या हुआ ए वन बराबर, तो बोले सर ये तो रॉड जैसे ही हुआ, तो इसका जनरल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे बताओ? अलोंग द ब्लॉक, अलोंग द ब्लॉक कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? अलोंग द रॉड तो ठीक थी, रॉड होती है उसके अलोंग द रॉड, ये क्या दिख रही है? कॉन्टैक्ट सरफेस। अरे क्या दिख रही है? कॉन्टैक्ट सरफेस। तो एक्सेलेरेशन अलोंग, नहीं एक्सेलेरेशन परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस शुड बी सेम। क्या एक्सेलेरेशन? तो पूरी बात हम लिखेंगे कि अभी ये तो मैंने आसान केस लिए हैं इसलिए ऐसा हो गया, पड़ता कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलेरेशन ऑब्लिक वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस शुड बी सेम, लिख लो। तो ये नोट करो और एक लाइन लिखो नीचे, बता रहे पहले लिख लेने दो बच्चों को। परपेंडिकुलर बोल रहा हूं, तो बोल तो रहा हूं, टू तो बोल रहा हूं, तो रहा हूं तो बोल रहा हूं, अबे ये थोड़ी लिखना था, पहले तो ये लिखना था कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑब्लिक एक्सेलरेशन, वो तो लिखो पहले, लिखो लिखो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑब्लिक एक्सेलरेशन अलोंग, अलोंग के बाद नहीं, अलोंग थोड़ी लिखना है यार। हाँ फिर से लिखो, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑब्लिक एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस, परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस शुड बी सेम। तो मैं कंपोनेंट की बात क्यों करता हूं, क्योंकि हमें कंपोनेंट करने पड़ेंगे। देखो कैसे, एक सवाल करेंगे बस फिर छुट्टी है। परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस शुड बी सेम, ये दीवार है ये धरती माता है। यस, ये एम वन ब्लॉक है ये एम टू ब्लॉक है, दो ब्लॉक दिख रहे हैं, पहले समझ लो इसको, समझ लो, लिख लिया ना, बना लेना डायग्राम, 2 मिनट लगेंगे। तो पहले इसको समझ लो, दो ब्लॉक दिख रहे हैं, एम टू बोलेगा मैं तो नीचे आऊंगा भारी है इसलिए का सरफेस स्मूथ है सारी, तो अगर एम टू नीचे आएगा तो या तो एम वन मान जाए खिसक जाए, नहीं तो एम टू उसको तोड़ ताड़ के नीचे आ जाए। अरे हाँ कि ना,
तो उसको मानना पड़ेगा, यही कंस्टेंट है कि एक की वजह से एक को चलना पड़ रहा है, तो उन दोनों के एक्सलेशन में रिलेशन भी आएगा, उनकी वेलोसिटी में रिलेशन आएगा, यही कंस्टेंट मोशन का वो है, सार है, सार। हाँ सार, कंस्टेंट मोशन में हम यही कह रहे हैं कि एक की वजह से दूसरों को चलना पड़ेगा, तो उन दोनों के मोशन में रिलेशन होगा, और वो रिलेशन ना उनके मास पर डिपेंड करेगा ना किसी फोर्स पर डिपेंड करेगा। समझ में आ रही की बात? चलो अब करते कैसे, तो जरा मेरे को बताओ कि एम टू का एक्सलेशन किधर आना चाहिए। अच्छा ये एंगल थीटा गिवन है, एक्सलेशन किधर आना चाहिए, ए टू बोल दिया, इसका किधर आना चाहिए, तो ए वन और ए टू में रिलेशन निकालना है, तो वापस से क्या करने पड़ेंगे कॉम्पोनेंट्स, तो वेज की कोई गलती नहीं अगर आप कॉम्पोनेंट नहीं कर पाते हो तो, है ना। इसमें कॉन्टेक्ट सरफेस ढूंढ के दिखा सकते हो क्या? बोले सर ये रही, अरे धरती के साथ कॉन्टेक्ट नहीं, ब्लॉक का कॉन्टेक्ट, तो ब्लॉक का कॉन्टेक्ट क्या दिख रहा है, तो अगर ये कॉन्टेक्ट सरफेस है तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी हो गई, अरे दिख रही है, इस डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट्स आएंगे एक्सलेशन के उनको बराबर करना है बस। तो करने क्या पड़ेंगे कंपोनेंट्स, तो कर दूं क्या, इधर देख लो मैं कर देता हूं कंपोनेंट। तो मान लो ए वन का, ए वन का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर है ना, इसके परपेंडिकुलर देखना एकदम बढ़िया एकदम शानदार, ये परपेंडिकुलर, तो दूसरा क्या हो गया इसके अलोंग, अरे दिख रहा है क्या। अगला टास्क होता है थीटा निकालना, तो अगर ये ऐसा है ऐसा ऐसा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये थीटा दिख गया, ये काम का है कि ये काम का है, ये वाला कंपोनेंट काम का है, ये वाला कंपोनेंट का, परपेंडिकुलर चाहिए, तो ये हो जाएगा ए वन, कोई दिक्कत इसमें, सफाई से कर दिया कंपोनेंट, ठीक है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया पर ठीक। इसमें बताते हैं, इसमें एक कंपोनेंट तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए, अरे दिख रहा है, दूसरा कैसा होएगा, ऐसा होएगा, अरे दिखा क्या। अगला टास्क थीटा, बताओ थीटा जल्दी से कौन बताएगा, बिना थीटा के कंपोनेंट नहीं होंगे, थीटा 10वीं क्लास का टॉपिक है, 8वीं क्लास का ज्योमेट्री का टॉपिक है, इसमें फिजिक्स का कोई लेन देना नहीं है, तो फिजिक्स को गालियां ना दे प्लीज। ये वाला एंगल थीटा होगा, क्यों होगा, अरे सर देखो एक फालतू लॉजिक दूं, अरे एम जी किधर होता है, नीचे, उसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा होता है, ये वाला एम जी साइन थीटा होता है, याद करो कंपेयर कर ले उससे, ऐसा मतलब, अरे नीचे वाला एम जी फिर यही तो आता है थीटा, नहीं पसंद आया तो दूसरा तरीका बताऊं फिर, अच्छा बताऊं, अच्छा ढूंढना है बेटा यार, अच्छा तो ढूंढना है ना थीटा, थीटा ढूंढना भी नहीं आएगा क्या, अभी का टाइम कम है, नहीं तो मैं बता देता, फिर क्या होगा कि बहुत अजीब हो जाएगा, मैं बता दूंगा, पर अपन अपना काम तो कर लें, कि मान लो ये थीटा है, सर की बात मान लो, कि मान लो ये थीटा है, तो मुझे कौन से कंपोनेंट की जरूरत है, ये वाले की ये वाले की, ये वाले की, ये वाले की, क्यों जरूरत है इस वाले की, एट मतलब तुम कंपोनेंट तो फिर भी अब सीख गए हो हद तक, बस थीटा में और दिक्कत है थोड़ी सी, तो थोड़ी सी नवी क्लास आपको तो फिर से पढ़ा दी जाए, बाकी 11वीं तो तुम सीख गए हैं। तो ये आ गया भाई साहब आपका रिलेशन, अरे क्या आ गया ये रिलेशन, आपको होमवर्क जरूर दे रहे हैं आज थोड़ा सा, BV4 पूरा, अबे पूरे में 3 सवाल बचे हैं, इसके 1 से 8, BV5 में 1 से 8, 10 सवाल मुश्किल से, तो चलेगा ही नहीं ना, रुक जाएंगे ना, अरे फिक्स का मतलब A2 0 तो A1 भी 0, A1 0 तो A2 भी 0, किसी एक को भी रोक दिया तो दूसरा रुक जाएगा,